हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट क्लास में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की असाइनमेंट हमने शुरू करी थी। वी हैव डन दी इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज जब हमने चैप्टर को गो थ्रू किया था, एंड लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज किए थे इस चैप्टर के, और हमने इस चैप्टर के असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। एंड हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो थे वो डिस्कस किए थे लास्ट क्लास के अंदर। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज, और इसके बाद हमने किए थे असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस ये वाले, फिर हमने कुछ किए थे फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द कॉलम। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर के। तो जो जो हमारे आंसर्स होंगे, ठीक है, वो हम लिख लेंगे, जिसकी आपको नीड है, जरूरत होगी, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं वो तो आपको हमारे नोट्स से या रेगुलर क्लासेस के लेक्चर से ही मिल जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपको म्यूकस का रोल बताना है। म्यूकस क्या होता है, इसका रोल क्या होता है बेटा, बताइए। हाँ जी, इट स्टॉप्स या फिर कलेक्ट्स डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स इन नोस्टल, ठीक है। तो म्यूकस जो होता है बेटा, वो डस्ट पार्टिकल और डर्ट का कलेक्टेड वर्जन होता है नोस्टल के अंदर। फाइन हेयर्स का भी काम यही होता है, टू ब्लॉक द डर्ट और द डस्ट पार्टिकल्स टू एंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फाइन हेयर्स बेटा, जहां पे डस्ट पार्टिकल्स और डर्ट को रोकते हैं एंटर करने में, तो जब वो डर्ट कलेक्ट हो जाती है, तो वो डर्ट कलेक्ट होके बेटा क्या बन जाती है, म्यूकस बन जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा। तो व्हाट इज म्यूकस, है ना, इट इज द कलेक्शन ऑफ डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल, कलेक्शन ऑफ डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। और फाइन हेयर्स क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स टू एंटर द नोस्टल। देन थर्ड, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इनका काम क्या होता है? प्रिवेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम कोलैप्सिंग। वेरी गुड। प्रिवेंट्स दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू कोलैप्स, है ना, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो वो कोलैप्स होने से उसको बचाता है। देन हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है हाउ इज लिम्फ फॉर्म्ड? सो लिम्फ कब बनता है बेटा, जब ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स थ्रू ब्लड कैपिलरीज। वेन ब्लड फ्लोज फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स थ्रू ब्लड कैपिलरीज, तब क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ ब्लड ओजेज आउट
थोड़ा सा ब्लड जो है वो एक तरह से लीक कर जाता है या वो बाहर आ जाता है, विच बिकम्स लिम्फ। कहते हैं लिस्ट टू फंक्शंस ऑफ लिम्फ। क्या होता है बेटा लिम्फ के फंक्शंस? टू कैरी डाइजेस्टिव फैट, डाइजेस्टेड फैट्स टू द सेल्स। ओके, टू कैरी डाइजेस्टिव फैट्स टू सेल्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा क्या होता है? फाइट इंफेक्शन। ये बॉडी के अंदर इंफेक्शन को क्या करता है बेटा? फाइट करता है। समझ में आ गया बेटा ये बात? ये हो गए बेटा फर्स्ट एंड सेकंड के आंसर। देन बेटा हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। आंसर द फॉलोइंग, डिफाइन एक्सक्रीशन। हम सब जानते हैं बेटा एक्सक्रीशन क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यू नो एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन। उसको बेटा हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। इसके अंदर मेनली बेटा क्या होता है? यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो एक्सक्रीशन से हम हमारे बॉडी के अंदर का यूरिया और यूरिक एसिड को बाहर कर देते हैं। कहते हैं नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन किडनी। किडनी में बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कौन होता है बेटा? नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये किडनी का बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, वो कौन है बेटा? नेफ्रॉन। देन कहते हैं ड्रॉ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग का एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम टू परफॉर्म। यूरिन कौन फॉर्म करता है बेटा? आपको उन ऑर्गन्स को नाम करना है। उन्होंने इनडायरेक्ट पूछा है आपसे हु फॉर्म्स यूरिन। तो बेटा किडनी फॉर्म्स यूरिन, आपको किडनी मार्क करनी होगी। कहता है इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द किडनी। कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। कहता है स्टोर्स यूरिन अंटिल इट पासेस आउट यूरिनरी ब्लैडर। कहता है ओपनिंग थ्रू विच यूरिन कम्स आउट यूरेथ्रा। कहते मेंशन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये है बेटा दो रॉ मटेरियल्स। ठीक है, और बाकी के अगर आपको लिखना है मटेरियल्स नहीं है बेटा। क्लोरोफिल ये कंडीशन है, सनलाइट, सनलाइट ये भी कंडीशन है बेटा। रॉ मटेरियल्स यही दोनों है, क्लोरोफिल सनलाइट जो है बेटा वो कंडीशन आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। कहते हैं ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू स्टोर स्टोमेटल पोर्स। आप गार्ड सेल्स की मदद से है ना स्टोमेटा जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। कहते हैं स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट्स रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम। है ना, दिन के टाइम वो बंद रहता है। ठीक है, देन हाउ डू दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड and perform photosynthesis? They use the carbon dioxide formed during respiration. So stomata of desert plants remain closed during daytime. पहले तो बताओ कि वो daytime में close क्यों रहता है? है ना, वो इसलिए रहता है to prevent loss of water. तो स्टोमेटा डेजर्ट प्लांट का दिन के टाइम इसलिए बंद रहता है ताकि पानी का लॉस ना हो। बाय व्हाट मेथड? ट्रांसपीरेशन। ठीक है, कहते देन हाउ डू दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस?
तो बेटा वो क्या करते हैं, नाइट में वो ऐसा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं एट नाइट। सर क्यों? बिकॉज दे स्टोर इट, वो क्या करते हैं उसको स्टोर कर लेते हैं और रात को वो परफॉर्म करते हैं ताकि पानी का लॉस कम से कम हो, मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। आपको बेटा ये डायग्राम नोट्स में मिल जाएगा हमारे। एंड कहते हैं डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी हार्ट से फ्लो करता है। तो वो पूरा एक्सप्लेन करना होगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ 5 मार्क का क्वेश्चन। कहते हैं डिफाइन ट्रांसपिरेशन, ये क्या होता है बेटा? इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ एक्सेस वॉटर बाय प्लांट्स, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। कहता है व्हाट विल हैपन टू द गार्ड सेल्स और स्टोमेटल पोर्स जब पानी फ्लो गार्ड सेल्स के अंदर। तो बेटा गार्ड सेल्स में जब पानी जाता है तो क्या होता है बेटा? वो क्लोज हो जाता है। जब गार्ड सेल्स में बेटा पानी जाता है तो गार्ड सेल्स स्वेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो ओपन हो जाते हैं, है ना? दे स्वेल एंड स्टोमेटल पोर्स जो है बेटा वो क्या हो जाते हैं, ओपन फॉर गैसियस एक्सचेंज। फिर कहता है बेटा सेवेंथ का सी पार्ट, नेम द फॉलोइंग इन एलिमेंट्री कैनाल। लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कौन होता है? लिवर। वेरी गुड, लिवर। बेटा एवरेज साइज लिवर का 1.5 केजी के आसपास होता है। कहता है द ग्लैंड दैट सेक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज वेल एज हॉर्मोन्स। पैनक्रियास। पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं। पैनक्रियास पे लिख सकते हैं, पैनक्रियास आई वुड गिव इट अ बेटर ऑप्शन। The part where digested food is absorbed. Small intestine. Small intestine. ठीक है, and इसके अंदर एक और last part है, fourth part। कोई बच्चा पढ़ के मुझे बता सकता है कि fourth part क्या लिखा है? यहाँ भी हम discuss कर लेंगे। The enzyme present in saliva. हाँ, saliva में कौन सा enzyme होता है? Salivary amylase। तो आपको जो जो कॉपी करना है आंसर आप कॉपी कर सकते हैं, जिसको कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। तो जैसे सेवेंथ का देखो फोर्थ पार्ट है ना, एंजाइम प्रेजेंट इन saliva, अभी हमने डिस्कस किया salivary amylase। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच प्रोसेस इन प्लांट इज अकंपनीड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। मतलब एटीपी की एनर्जी यूज करके बेटा वो काम होता है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, वो कौन सा काम होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फूड को बेटा जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है बेटा, तो उस केस में हमको एनर्जी चाहिए होती है जो हम यूज करते हैं एटीपी से। देन गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इन द नेसल पैसेज। अभी क्या था बेटा, है ना, टू अवॉइड और टू रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल इनटू नोस्ट्रिल और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन थ्रोट, है ना, इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स। कहते स्टेट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी।
बेटा आर्टरी क्या होती है, बेटा इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेन क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वेरी गुड। ठीक है, वेन्स क्या बेटा कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती है, फाइन ट्यूब्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। देन बेटा आर्टरी में वॉल्व्स नहीं होते, ठीक है, बट वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। टेंथ कहते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो बेटा वो कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। कहते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। बेटा सलाइवा क्या रिलीज करता है, बेटा releases salivary amylase to break down starch है ना into sucrose। ये काम होता है बेटा किसका, salivary amylase का। 12th कहता है differentiate between photosynthesis and respiration। I hope बेटा ये differences हो जाएंगे आपसे। Yes sir, हो जाएंगे। हो जाएंगे तो? Then 12th का B part कहता है what is double circulation, है ना? ये भी हमने अभी पढ़ा था बेटा कि same blood flows through heart twice, once it is oxygenated, once it is deoxygenated and then it is oxygenated। ठीक है? Then C part कहता है how is carbon dioxide transported in human beings through blood, किस form के अंदर होता है बेटा, in dissolved form। carbon dioxide blood में dissolve होके बेटा flow करता है blood के अंदर। कहता है what is the shape of stomata in monocot and dicot plant। अब बेटा ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है पर हम आपको अभी भी बता देते हैं, मोनोकॉट के अंदर बेटा जो गार्ड सेल्स होते हैं दे हैव डंबल शेप, दे आर डंबल शेप। तो इन मोनोकॉट प्लांट्स गार्ड सेल्स जो होते हैं उनकी शेप क्या होती है बेटा, डंबल शेप। ठीक है, लेकिन डायकॉट के अंदर गार्ड सेल की शेप जो है बेटा वो क्या हो जाती है, बीन शेप हो जाती है। तो ये एक डिफरेंस है बेटा जो हमारे लेवल के हिसाब से इट इज बीन रिक्वायर्ड। ठीक है, देन 14th क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस टू गार्ड सेल व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड। तो बेटा दे लूज water and stomatal pores gets closed। तो जब ये stretch होते हैं तो बेटा वो पानी loose करके stomatal pores जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। नहीं, what happens to guard cells when they are stretched? They will get open। नहीं बेटा, they will get open, stretch हो रहे हैं ना। तो water enters into guard cells and they open stomatal pores। एक मिनट बेटा मैं ये आंसर कंप्लीट कर लू। एंड दे ओपन स्टोमैटल पोर्स। हाँ जी बेटा। सर एक क्वेश्चन था जिसमें हमें बताना था व्हाट विल हैपन टू द गार्ड सेल्स एंड स्टोमैटल पोर्स व्हेन वाटर फ्लोस टू गार्ड सेल्स। सर आपने लिखवाया दे स्वेल
एंड स्टोमेटल पोर्स ओपन, यहाँ पर क्लोज नहीं होना चाहिए था. वॉटर फ्लोज थ्रू गार्ड सेल्स, टू गार्ड फ्लोज टू गार्ड सेल्स ना बेटा. अगर फ्लोज टू गार्ड सेल है तो बेटा वॉटर अगर गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो वो स्ट्रेच करके ओपन हो जाएंगे, तो इससे वो स्वेल कर जाता है. जब गार्ड सेल के अंदर पानी एंटर करता है तो वो स्वेल कर जाते हैं, और स्वेल करने की वजह से वो स्ट्रेच हो जाते हैं, और स्ट्रेच होने की वजह से वो ओपन कर देते हैं स्टोमैकल पोर्स. अगर गार्ड सेल से पानी बाहर निकलता है तो वो रिलैक्स होके पतले हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, और स्टोमैकल पोर्स को बंद कर देते हैं. आया समझ लो बेटा? यस. फिफ्टीन क्वेश्चन कहता है व्हाई डू वी ऐड KOH टू द एक्सपेरिमेंट सेटअप इन फॉर रेस्पिरेशन. अगर आपको याद हो तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उस प्रोसेस के अंदर बेटा कौन सी गैस रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्योंकि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस नेचर में एसिडिक होती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. तो KOH का मेन काम होता है बेटा ऐड करना ताकि वो CO2 एब्जॉर्ब कर ले. ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी थी. अब हो सकता है कि कुछ स्कूल्स में करवाई जाए, हो सकता है कुछ स्कूल्स में ना करवाई जाए. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते. 16th question, state two roles performed by acid in the stomach. तो बेटा पहला रोल क्या होता है एसिड का? सबसे पहला रोल होता है टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स. जो बेटा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना. सर वो आपने स्टार्च के बाद क्या लिखा है? एक मिनट बेटा, बेटा स्टार्च के बाद सुक्रोज है. टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल फॉर्म्स, ये हो गया बेटा पहला फंक्शन. और दूसरा फंक्शन क्या होता है बेटा एसिड का? ये पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है. टू एक्टिवेट एंजाइम पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है. बेटा थर्ड आप लिख सकते हैं टू किल एनी माइक्रो, ठीक है ना, या फिर बैक्टीरिया जो हमें चाहिए नहीं चाहिए होता. इसी क्वेश्चन का बेटा 16th का एक और पार्ट भी है. हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? It has tiny little projections called villi. It has tiny millions of finger-like projections called villi, which are richly supplied with blood to absorb digested food. Seventeenth कहते हैं, what happens to glucose that enters the nephron along with the filtrate? क्या होता है बेटा glucose? It is reabsorbed by the very glucose, amino acids, salts, all are
selectively reabsorbed in nephron. ठीक है, तो बेटा यही हमारे 17 तक हो गए. आप कॉपी कर सकते हैं आंसर्स. आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं. एटींथ क्वेश्चन कहते हैं नेम द फॉर्म इन विच फूड इज स्टोर्ड इन एनिमल. ग्लाइकोजन ग्लूकोज एंड प्लांट स्टार्च. ग्लाइकोजन और प्लांट्स के अंदर बेटा स्टार्च, ग्लूकोज में नहीं स्टोर होता बेटा. गिव एनी टू वेज बाय विच प्लांट रिमूव देयर वेस्ट. और प्लांट के लिए वेस्ट बेटा क्या होता है? एक तो बेटा पानी हो सकता है, ट्रांसपिरेशन. तो बेटा ट्रांसपिरेशन से वो पानी रिमूव कर सकते हैं. और डेड लीव्स वो भी रिमूव हो जाती है. और डिफ्यूजन से ऑक्सीजन गैस क्या कर देते हैं बेटा? बाहर कर देते हैं. और सर सॉइल में? सॉइल में भी बेटा चली जाती है गैसेस. व्हाई डू पीपल एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर पीपल ट्री एट नाइट्स? क्यों भाई? बिकॉज रात को ट्री takes in oxygen and gives out carbon dioxide. तो रात को ट्री जो होते उल्टा करते हैं, वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और CO2 रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बेटा आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है. सर ऐसा नहीं था कि वो रात को ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं पर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज्यादा उसमें क्वांटिटी में होता है. ये भी कह सकते हैं बेटा, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है. मेनली है कि CO2 ज्यादा रिलीज होता है. हाउ डज वॉटर रीच टू टिप ऑफ टॉल प्लांट्स लाइक यूकेलिप्टस? तो बेटा बड़ा अच्छा एक फिनोमिना है ट्रांसपिरेशन का. तो ट्रांसपिरेशन helps in loss of water, जिसकी वजह से loss of water from leaves, ठीक है, जिसकी वजह से बेटा evaporation से पानी जो होता है वो evaporate हो जाएगा और एक negative water vapor pressure create होता है, turgid pressure, है ना, and creates a negative water vapor pressure. भाई ऊपर से अगर पानी हटेगा तो नीचे से पानी ऊपर चला जाएगा in surrounding cells. In surrounding cells. तो ये भी एक अच्छा question है बेटा. 22nd कहता है विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेबल डायग्राम आप नेफ्रॉन बताइए एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन सीन इन ह्यूमन बीइंग्स. तो बेटा आप ये नोट्स से रेफर कर सकते हैं. 23rd कहता है विद एन एक्टिविटी डेमोंस्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो बेटा ये वाली एक्टिविटी भी आपको नोट्स में मिल जाएगी हमारे इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेज ओनली. कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइजेस्टिव स्ट्रेटजी ऑफ मॉस्किटो एंड मशरूम. अब बेटा मॉस्किटो जो होता है उसके सेल्स क्या करते हैं बेटा? सेल्स इन गट ऑफ मॉस्किटो है ना, जब ब्लड वहां पे जाता है रिलीजेस enzyme to break blood proteins.
तो जब मॉस्किटो ब्लड को बेटा सक कर लेता है तो वो अपनी बॉडी में, बॉडी के गट में एंजाइम रिलीज करता है जो ब्लड के प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन मशरूम एक फंगाई है, तो वो कैसे करता है बेटा? फंगाई रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसका 21 वाला भी नोट्स नहीं मिलेगा ना? नहीं बेटा ये लिख दिया ना यहाँ पे, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स। फंगाई रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन देयर फूड, मतलब वो फूड के ऊपर ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं एंड डाइजेस्ट एक्सटर्नल, है ना? तो मॉस्किटो का डाइजेशन इंटरनल है, फंगाई का डाइजेशन जो है बेटा वो क्या है? एक्सटर्नल है। ट्वेंटी फोर्थ, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रोल ऑफ एंजाइम्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो बेटा आपको सारे एंजाइम्स का डाइजेशन जो है वो एक्सप्लेन करना है। एंड कहते हैं हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, दैट इज विलाय। और बेटा ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, लिपेज, ये चार एंजाइम्स को जरूर आप एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन क्या क्या करता है। पहला एंजाइम के बारे में आप क्या बताएंगे? सलाइवरी अमाइलेज। देन हमारा एक और एंजाइम है पेप्सिन, देन है हमारे पास ट्रिप्सिन, एंड हमारे पास क्या है? लिपेज। ये चार एंजाइम के बारे में आपने बताना है कौन कौन डाइजेस्ट करता है और क्या, ये आपको हमारे नोट्स में भी मिल जाएगा। 25th कहते हैं नेम द ऑर्गन एंड द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स में बेटा ऑर्गन कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ऑर्गन जो है बेटा वो कौन सा हो गया? क्लोरोप्लास्ट। एंड द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। कहते लिस्ट द रॉ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस। CO2 एंड वाटर। हाउ आर दे ऑब्टेन्ड बाय ग्रीन प्लांट्स? बेटा CO2 तो कहां से मिल जाती है? एयर से, ठीक है। और मेनली पानी जो है उनको बेटा कहां से मिल जाता है? सॉइल। सॉइल से रूट्स उसको पुल इन कर लेती है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस एंड स्टेट द बाय प्रोडक्ट्स। तो बेटा अगर आपको याद हो 6CO2 6H2 आप एरो थोड़ा सा बड़ा बना लो, सनलाइट, क्लोरोफिल, साथ में सनलाइट भी लिखना आप, C6H12O6 C6H12O6 plus O2 H2O नहीं है लिखेंगे ना बेटा, वो कैंसिल हो गया, और आप लिखेंगे 38 नहीं इसी, इस पे नहीं लिखना, और साथ में आपने क्या बस ये लिख देना। तो बाय प्रोडक्ट भी तो रेस्पिरेशन में जनरेट। हाँ 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 बेटा, तो बाय प्रोडक्ट जो है बेटा आपका इसके अंदर कौन आ गया? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। हालांकि बाय प्रोडक्ट में वाटर भी आता है, पर हम वाटर को उसको रीयूज कर लेते हैं प्रोसेस के अंदर। तो मेन हमारा बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या है बेटा? ऑक्सीजन गैस। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो सेल्स इनके बाद क्या लिखा है? तो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।
कहते हैं ड्रॉ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स एल्वियोलाई ब्रोंकाई लंग्स एंड ट्रैकिया. ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपको इसका आंसर नोट्स में मिल जाएगा. कहते हैं लिस्ट इन टैबुलर फॉर्म टू डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज द ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज In presence of oxygen. In presence of oxygen. और बेटा anaerobic क्या होता है? It is the breaking absence. of in absence or limited supply of oxygen. तो ये हो गया बेटा पहला difference. दूसरा difference क्या हो जाएगा बेटा? Aerobic respiration के अंदर large amount of energy is released. कितना? 38 ATP molecules. And aerobic के अंदर बेटा कितना निकलता है? Less energy. Approximately 2 ATP molecules. ये हो गया बेटा दूसरा डिफरेंस. तीसरा डिफरेंस बेटा एरोबिक के अंदर बाय प्रोडक्ट्स कौन निकलते हैं? CO2 एंड वाटर. और एनएरोबिक के अंदर बाय प्रोडक्ट्स बेटा क्या निकलते हैं? एक केस में इट इज एसिड इथेनॉल एंड CO2 और दूसरे केस में बेटा इट इज लैक्टिक एसिड एंड CO2. तो बेटा मैंने आपको तीन डिफरेंसेस जो है वो बता दिए और बेटा ये आपको आपके नोट्स में भी मिल जाएंगे एंड दे आर प्रीटी इंपॉर्टेंट. जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये 5 marker क्वेश्चंस जो है वो स्कूल में आते हैं बेटा, एग्जाम्स में आते हैं. ऐसे ही 5 marker हमारा 27th क्वेश्चन भी है. नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स. कौन से टाइप का न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक. वेरी गुड बेटा. फोटोसिंथेसिस जी प्रोसेस. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब कहता है आपको उसको एक्सप्लेन करना है फोटोसिंथेसिस का. लिस्ट द रॉ मटेरियल्स. ये तो आपको आई होप याद ही हो गए होंगे. CO2 एंड वाटर. कंडीशन क्या होगी? क्लोरोफिल एंड सनलाइट. गिव द केमिकल इक्वेशन. अभी हमने ऊपर लिखी थी बेटा. राइट 3 events दैट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ये बेटा एक बड़ा ही अच्छा पार्ट है इस क्वेश्चन का जो इसको स्पेशल बनाता है. तो बेटा वो 3 process कौन कौन से हैं? मैं जो लिखवा रहा हूं आप उसी को बेटा लिखेंगे. एक है, सबसे पहला है हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. भाई सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं हो गई तो बेटा काम आगे कैसे चलेगा, है ना? प्रोसेस ऑब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का भी नाम आ जाएगा ना, इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी. ठीक है. दूसरा बेटा क्या होता है? इसकी मदद से कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी को हम बेटा किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? टू केमिकल रिएक्शन, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी. मेन ये होता है ना, पहले लाइट एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उसके बाद केमिकल रिएक्शन कैरी करेगा और इस केमिकल रिएक्शन के बाद बेटा क्या होता है? वाटर ब्रेक करता है. वाटर स्प्लिट्स इनटू एच पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन गैस. सर रिडक्शन ऑफ वाटर नहीं कह सकते? रिडक्शन वाटर का नहीं होगा बेटा. वाटर का रिडक्शन नहीं होता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. रिड्यूस तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्लूकोज में करते हैं. तो ये 3 steps होते हैं बेटा, 3 events होते हैं. इसके बाद फिर बेटा एक चेन सेटअप होती है जो आगे चलती रहती है. सर जो 26 का बी है उसमें अपने 3 जो डिफरेंस लिखे हैं वो थर्ड है ना ऊपर जो है? हाँ बेटा ये वाला है. आप बेटा बाद में कॉपी कर लेना, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी. सर लेकिन बुक में जो 3 events लिखे हुए हैं उसमें रिडक्शन ऑफ दे रखा है जो उसने कहा था. तो बेटा फिर आप फिर हम ऐसा कर सकते हैं बेटा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बेटा ये पूरा 3rd mark कर लेते हैं. दैट इज वाटर स्प्लिट्स इनटू एच पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन.
और बेटा थर्ड हम बेटा एनसीईआरटी को मान लेते हैं। एनसीईआरटी में थर्ड क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ क्या कह रही है बेटा एनसीईआरटी सर, जो आप कह रहे हैं वही सही है कि पहला सेकंड पॉइंट ये दोनों का कंबाइंड है और थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ सीओ टू टू कार्बन। हाँ तो हम ये लिख देते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, हम ये कर देते हैं क्योंकि बेटा लाइट एनर्जी की वजह से पानी स्प्लिट कर जाता है एच पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के अंदर, तो ये हमारे तीन इवेंट हो गए बेटा इसके अंदर। कहते हैं नेम द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, कौन सा होता है, नर्व सेल। कहते हैं डिस्क्राइब द चेंजेस इन थोरैकिक कैविटी ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो बेटा थोरैकिक कैविटी में क्या चेंजेस आते हैं इनहेलेशन के अंदर बेटा, तो इसका आंसर मैं 29th का यहां पे नीचे लिख रहा हूं, आप कॉपी कर लेना। When lungs inhale, है ना, तो डायाफ्राम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड वो पुल करता है डाउनवर्ड्स, उसी समय एंड एट सेम टाइम मसल्स जो होते हैं रिब्स के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं जिसकी वजह से साइज क्या कर जाता है बेटा, इंक्रीज किसका, थोरैकिक कैविटी का, एंड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है अंदर, जिसकी वजह से एयर अंदर मूव करती है। तो ये है हाउ थोरैकिक कैविटी चेंज होती है जब हम एयर को इनहेल करते हैं। जैसे ही हम एयर को इनहेल करेंगे तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से हमारे रिब्स जो है, ठीक है, उनके मसल्स जो है वो खिंच के उनको अपवर्ड पुल करते हैं जिसकी वजह से हमारे लंग्स का साइज बढ़ता है और वो अंदर प्रेशर एयर का खींचता है। बेटा एयर की खास बात होती है, इट मूव्स, एयर हमेशा मूव करती है कहां से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर बेटा मुझे एयर को अपने लंग्स के अंदर खींचना है तो बेटा मुझे लंग्स के अंदर प्रेशर कम करना पड़ेगा। सर प्रेशर कम कैसे करते हैं, ये बेटा साइंस का फिनोमिना होता है। अगर आपको प्रेशर कम करना है आप वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, तो आपने देखा होगा जब आप लंग करते हैं आपकी चेस्ट बेटा इंक्रीज कर जाती है, उसके साइज बढ़ जाता है, वो इसलिए बढ़ता है ताकि वॉल्यूम बढ़े लंग्स की। जैसे ही लंग्स की वॉल्यूम बढ़ती है बेटा उसके अंदर ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो जाता है जिसकी वजह से एयर बाहर से अंदर एंटर करती है। तो ये है इनहेलेशन का प्रोसेस जिसमें थोरैकिक कैविटी जो है वो बदल जाती है।
मैं आपको कॉपी करने का टाइम दूंगा. लेट मी डिस्कस एक दो क्वेश्चन और 30th. कहते हैं आंसर द फॉलोइंग, व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स एंड ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स विच ओन फूड एंड डिफाइन द टर्म नेफ्रॉन. तो ये क्या होता है बेटा, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, है ना. कहते हैं 31st, राइट द 3 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम. चलो ये अभी 30 तक कर लो, उसके बाद फिर हम 31 से शुरू करते हैं. क्लास कितने बजे तक है? एक बार 29th क्वेश्चन हम दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं बेटा. क्वेश्चन कहता है कि थोरैकिक कैविटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम एयर इनहेल करते हैं. अब होता क्या है कि हमने अभी पढ़ा कि एयर की बेटा खास बात क्या होती है. इधर देखिए, एयर या गैसेस कहां से मूव करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर. अब अगर मुझे एयर अपने लंग्स के अंदर चाहिए तो मुझे लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम करना पड़ेगा ताकि एयर बाहर से अंदर आए. अब एयर का प्रेशर लंग्स में कैसे कम होता है, ये बेटा बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी चीज की वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो उसके अंदर प्रेशर जो है बेटा वो कम हो जाता है. तो हमको हमारे लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज करनी है ताकि अंदर प्रेशर कम हो जाए और एयर जो है वो बाहर से हमारे लंग्स के अंदर मूव करे. कैसे? ये हेल्प करता है डायफ्राम. एक्चुअली में लंग्स के अंदर जब हम इनहेल करना चाहते हैं तो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो नीचे खिंच जाता है. उसी समय हमारे मसल्स जो रिब्स के बीच में होते हैं वो भी खिंचकर ऊपर हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे थोरैकिक कैविटी का साइज बढ़ जाता है. मतलब लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई. अगर लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई तो लंग्स का अंदर जो प्रेशर होता है बेटा वो कम हो जाता है. इस वजह से एयर आराम से बाहर से हमारे लंग्स में मूव कर जाती है. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. 31st क्वेश्चन कहता है राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम. तो बेटा जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमको बेटा डिफरेंस लिखना है. ये रहा जाइलम और ये रहा फ्लोएम. जाइलम बेटा क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, समझ में आया. फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? फूड. दूसरा, जाइलम के अंदर बेटा मूवमेंट कहां से होती है? फ्रॉम अपवर्ड रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट. फ्रॉम अपवर्ड रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, है ना. तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना. तो रूट्स नीचे होती है और जो हवा में पार्ट होता है उसको हम एरियल पार्ट कहते हैं. और फ्लोएम के अंदर ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ मूवमेंट होती है. और तीसरा आता है, जाइलम को नीड्स ट्रांसपिरेशनल पुल, है ना. तो ये एक फिजिकल फोर्स होता है. अगर आपको पानी नीचे से ऊपर पहुंचाना है
तो आपको एक फिजिकल फोर्स की फॉर्म के अंदर ट्रांसपिरेशनल पुल चाहिए होगा, लेकिन बेटा फूड इधर से उधर पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? एनर्जी। किस फॉर्म के अंदर? एटीपी। तो बाद में कॉपी करेंगे, व्हेन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। देन 32nd कहता है हाउ इज ट्रांसपिरेशन यूजफुल टू प्लांट्स, है ना? यूजेस ऑल द वेस्ट फ्रॉम द प्लांट। वेस्ट आप टू बी मोर स्पेसिफिक हम इसको कह सकते हैं कि एक्सेस वाटर, है ना? तो रिमूव्स एक्सेस वाटर। दूसरा बेटा कूलिंग इफेक्ट भी तो कॉज करता है, है ना? तीसरा वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस भी तो यहां से आ सकता है, और फोर्थ वाला पॉइंट समझ नहीं आया मतलब कौन सा वाला? थर्ड वाला एंड द वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन यहाँ तो वाटर लॉस हो रहा है। वाटर लॉस हो रहा है तो जो वाटर वो पुल करेगा बेटा नीचे से ऊपर, एक्सेस वाटर उसने भेज दिया, जो वाटर हम उसको यूज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। हाँ अगर आप ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत इसके अंदर आपको इश्यू है, नहीं समझ में आ रहा, इट्स ओके। और फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा? टर्जिडिटी, है ना? तो लीफ में टर्जिडिटी जो है वो क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। देन हमारे पास आता है 33rd क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन आर्ट, लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स, आयोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन्स, ऑल्सो गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आर्ट। ये हो जाएगा। बी पार्ट कहता है व्हाई आर बॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स, क्यों होते हैं? टू प्रिवेंट mixing of oxygenated and deoxygenated backflow of deoxygenated blood, DOB का मतलब क्या हो गया? deoxygenated blood। How are alveoli important in respiratory system? क्योंकि इन्हीं की मदद से तो क्या होता है बेटा? Exchange of gases, है ना? O2 अंदर आती है, CO2 बाहर जाती है। What should be the consequences of deficiency of hemoglobin in blood? तो बेटा इसकी वजह से क्या होता है, है ना? Lethargyness, इंसान थका थका महसूस करता है, है ना? इंसान थोड़ा सा पेल दिखता है, और अगर ज्यादा ना हो जाए तो एनीमिया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। स्टेट द फंक्शन ऑफ लिम, है ना? किल्स इन्फेक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फैट्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट कहता है बेटा डिफाइन सिस्टोलिक प्रेशर। अब बेटा सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है ये जरा आप सुन लीजिए। इसमें दो प्रेशर आते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और एक क्या होता है डायसिस्टोलिक, है ना? ये हमने पढ़ा था। तो सिस्टोलिक प्रेशर मैं बता देता हूं क्या होता है। सिस्टोलिक प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट बीट्स, ठीक है? तो जब हार्ट बीट करता है बेटा तो कितने प्रेशर से ब्लड आगे मूव करता है बेटा, आर्टरीज में आता है, उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर।
और सर एक और टर्म थी डायसिस्टोलिक, वो क्या होता है बेटा? वो दो हार्ट बीट में डिफरेंस होता है प्रेशर का, डायसिस्टोलिक। ये क्या होता है? तो ये क्या होता है? इट इज प्रेशर इन आर्टरीज बिटवीन टू हार्ट बीट्स, मतलब कंजेक्यूटिव हार्ट बीट के बीच में जो प्रेशर होता है बेटा, वो उसे कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे हार्ट रेस्ट पे होता है और वो बीट नहीं करता, उसे कहते हैं डायसिस्टोलिक। तो आप इनके आंसर्स कॉपी कर सकते हैं और आज हम इस असाइनमेंट में इतना ही करेंगे।